खबर हनुमानगंज के नोहर से है, जहां दीपलाना सोती गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में थोड़ी सी बरसात से ही अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते दीपलाना से नोहर व सोती जाने वाला सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अंडरपास में अत्यधिक पानी जमा होने के कारण वाहन चालक भी सड़क मार्ग से नहीं गुजर कर और इसके साथ ही पल्लिका बड़रीबीना से होकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर इसके निर्माण में लापरवाही कर इसका घटिया निर्माण करवा दिया और न ही इसको निकासी के लिए बोर का सही ढंग से निर्माण करवाया, जिसका जो खामियाजा है वो आज ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दीपलाना के ग्रामीणों का कहना है कि इस अंडरपास से पानी की निकासी सही ढंग से व्यवस्थापित करवाई जाए और अन्यथा ग्रामीणों को आंदोलन के लिए